करीब 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व सृष्टि की शुरुआत में धरती पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड का साम्राज्य था। कुछ ग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर जहां धरती पर विस्फोट के साथ ज्वालामुखी फटे, वही दूसरे ग्रहों पर उपलब्ध पानी बारिश के रूप में धरती पर पहुंचा और वही से शुरू हुआ जीवन के विकास का दौर। जीवन के विकास के इस दौर में मनुष्य ने करीब 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व सृष्टि की शुरुआत में धरती पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड का साम्राज्य था। कुछ ग्रहों करीब 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व सृष्टि की शुरुआत में धरती पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड का साम्राज्य था। कुछ ग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर जहां धरती पर विस्फोट के साथ ज्वालामुखी फटे, वही दूसरे ग्रहों पर उपलब्ध पानी बारिश के रूप में धरती पर पहुंचा और वही से शुरू हुआ जीवन के विकास का दौर। जीवन के विकास के इस दौर में मनुष्य ने, यानी कि हमने, धरती पर अपने साम्राज्य की शुरुआत की। प्रकृति का अत्यंत कोमल एवं सुंदर स्वरूप मनुष्य को तोहफे के रूप में मिला। इस यात्रा के दौरान मनुष्य ने बड़े बड़े कारखाने और इमारतें तो बना ली, लेकिन प्रकृति के अस्तित्व पर वहीं से ग्रहण लगना शुरू हो गया। हालांकि मनुष्य की सुविधाओं के लिए विकास की ये यात्रा बेहद जरूरी थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं की चाहत और विकास की होड़ ने इसे अंधी दौड़ बना दिया और हम ही ने दोबारा से पृथ्वी पर न्योता दे डाला कार्बन डाइऑक्साइड रूपी दानव को। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड रूपी दानव ने नवजात जीवन को भी परेशान करना शुरू कर दिया। हमने जिन वाहनों अथवा अन्य साधनों को अपने आराम के लिए विकसित करना शुरू किया, उन्हीं की वजह से वातावरण इतना दूषित हुआ कि हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों ने हमारा सुख चैन छीनना शुरू कर दिया। जिस मानव ने विकास की अंधी दौड़ में शामिल होकर कार्बन डाइऑक्साइड रूपी दानव को पुनः विकसित किया, उसी मानव के पैरों में इसी दानव ने बेड़िया जकड़ना शुरू कर दी। इस दानव की वजह से वर्तमान में वातावरण दूषित होता जा रहा है। जरूरी है कि अब हम कार्बन डाइऑक्साइड रूपी दानव का अंत करें। में हम एक अंतहीन अभूतपूर्व प्रयोग में लगे हुए हैं, जिसके अंदर हमने प्रकृति के एकमात्र जीवन संभव प्लैनेट को इस प्रयोग में झोंक दिया है। अगर हमने क्लाइमेट चेंज के इस खतरे पर काबू नहीं पाया तो ये आने वाली पीढ़ियों के साथ एक धोखा होगा। वर्तमान में हमारे भविष्य पर ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हमने सामान्य की परिभाषा ही बदल दी है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए जीना संभव नहीं होगा, हम मर जाएंगे। मेरा देश वर्तमान में क्लाइमेट चेंज के कारण जिस दौर से गुजर रहा है वो पागलपन की एक हद है। सुपर टाइफून अयान ने मेरे गृह क्षेत्र में जो तबाही मचाई है वो दिल दहलाने वाली है। इसमें हमने जो कुछ खोया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो बाहर के लोग अभी भी क्लाइमेट चेंज को इसका कारण नहीं मानते हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं कि वो अपने शीशे के महल से नीचे उतरें और अपनी कुर्सियों के आराम को छोड़कर पैसिफिक आयरलैंड में जाएं और सच्चाई से रूबरू हों, क्योंकि वहां पर तूफानों से भागना, घरों को खाली करना और लाशों को गिनना ही जीवन बन गया है। हम ऐसा जीवन नहीं चाहते। हम इस पर काबू पा सकते हैं, हम इस पागलपन को रोक सकते हैं।
यह एक दुखद बात है कि हमारे पास समय नहीं है। ये जानते हुए भी कि हमारा जीवन दांव पर है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, भविष्य में यह सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि क्या हमने समय पर इस खतरे को पहचाना या बहुत देर से पहचाना। हमने पता लगाने की कोशिश की कि सारी दुनिया को सस्टेनेबल ऊर्जा देने के लिए क्या करना होगा। हमें जरूरत होगी 100 गीगावाट की फैक्ट्रीज की। ऐसी 100 फैक्ट्रीज की? जी हाँ, ऐसी 100 फैक्ट्रीज की पूरे अमेरिका के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए इतनी ऊर्जा चाहिए होगी। क्या केवल इतनी? जी हाँ। अब ये सोचिए कि हमें कितनी शर्म आएगी जब हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ियां ये जाने कि हमारे पास तबाही को रोकने के साधन थे, फिर भी हमने इसके लिए कुछ नहीं किया। हाँ, हमने पेरिस एग्रीमेंट साइन कर लिया है और ये ऐतिहासिक है कि इतने सारे देश इसको साइन करने के लिए इकट्ठे हुए और ये एक उम्मीद की किरण है, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। इस समय हमारी विचारधारा और हमारे व्यवहार में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। 21 सालों से हम केवल मंत्रणा और बहस ही कर रहे हैं, लेकिन अब इन सब के लिए समय नहीं है। अब हम और बहानेबाजी या मात्र रिसर्च के भरोसे नहीं रह सकते। दुनिया हमें देख रही है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां या तो हमारी सराहना करेंगी या हमें अपमानित। आप ही इस दुनिया की आखिरी और सबसे अच्छी उम्मीद है। हम आपसे धरती की रक्षा करने की अपील करते हैं, वरना हम और आप सभी जीव जंतु मात्र इतिहास बनकर रह जाएंगे। इतना कुछ जान लेने के बावजूद आज भी कुछ लोग अभी भी इस खतरे को बहुत दूर समझ रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि यह एक सैंड वॉच जैसा है। हर पल के साथ हम सब इसमें फिसलते जा रहे हैं, इससे पहले कि समय हाथ से फिसल जाए। आइए हम सब जागरूक नागरिक मिलकर आज और अभी से इसी दिशा में ठोस कदम उठाने का प्रण करें और अपनी धरती माता को प्रदूषण की बीड़ियों से मुक्ति दें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपकी अपनी फैमिली डॉक्टर। इस शो में आपका स्वागत है। जहां वातावरण की वजह से हमारा जीवन है, तो वहीं आज यही वातावरण हमारी जान लेने का कारण भी बन बैठा है। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में जो आठवीं जान जाती है, उसका कारण एयर पोल्यूशन है। 2012 में 70 लाख लोगों की जान एयर पोल्यूशन के कारण गई और एयर पोल्यूशन को सबसे प्रमुख एनवायरमेंटल हेल्थ रिस्क माना गया। आइए सबसे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी से इस विषय में उनके विचार जानते हैं। पर्यावरण को बचाना है तो वास्तव में जन जागरण चलाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा काम है, हर व्यक्ति को आज आवश्यकता है, गांव नागरिक के लिए। अगर पर्यावरण के लिए प्रदूषण से हमको बचना है तो पहले अपने आप में लोगों को सावधान करना पड़ेगा। इसके लिए एक अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए आगे आना पड़ेगा। पौधे लगा सकते हैं, फलदार पौधे हों, अच्छे पौधे, अच्छी तरह की नदियों की स्वच्छता का, ये अनेक तरह के जो कार्यक्रम चलते हैं इनमें उनका इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि अभी तक ऐसा माना गया है कि ये सरकार का काम है या कुछ लोगों का काम है। इसको हमने अनुभव किया कि जब तक जन जागरण के तौर पर इसको आम आदमी को इन अभियानों से नहीं जुड़ेंगे, हम तब तक पर्यावरण के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। और इसीलिए हर व्यक्ति को हमने कहा है, लोगों ने, कि हर व्यक्ति को कम से कम अपने घर में, परिवार में, खेत में पौधे लगाए और उसकी सुरक्षा करना। शायद हम ये सोचें कि बड़े बड़े शहरों में ही एयर पोल्यूशन होता है, जैसे चाइना की राजधानी बीजिंग का स्मॉग तो अंतरिक्ष से भी दिख जाता है, लेकिन छोटे छोटे शहरों, कस्बों और गाँव में भी लकड़ी, कोयला या बायोमास वगैरह जलाने से हम पोल्यूशन को जन्म देते हैं और रसोई में इनको जलाने से पैदा होता है इंडोर एयर पोल्यूशन, यानी कि घर के अंदर प्रदूषण। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन घर के अंदर भी प्रदूषण होता है। ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि घर की चार दीवारी के बाहर निकलने पर ही प्रदूषण होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है।
इंडोर एयर पोल्यूशन गांव और शहर दोनों जगह हो सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। 2012 के आंकड़ों के अनुसार 43 लाख लोगों की जान इंडोर एयर पोल्यूशन के कारण गई। आइए अब हम राज्यसभा सदस्य माननीय डॉक्टर विकास महात्मे जी से इस विषय में उनके विचार जानते हैं। उनको पता नहीं रहता वो मिट्टी काम करता है। चूल्हे में आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा ही डरे कितने सर्किट करते हैं लोग, वैसा चूल्हे से स्मोकिंग कराए कि जो लेडी है जो महिला है और स्मोकिंग के सम्मान को उससे उसके चित्र के प्राप्त होगा इसमें या फिर उसमें क्या तो ये जो है इसका अवेयरनेस जिसको ये परेशानियाँ पड़े वो भी समझता नहीं कि ये बहुत बड़ी परेशानी है। 2004 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कहा कि एयर पोल्यूशन के कारण हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसके कारण जान भी जा सकती है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में जो इंडोर एयर पोल्यूशन के कारण जाने गई उनमें से 29% हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से हुई। अब हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल से इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि पोल्यूशन से प्रीमैच्योर भी लोग मरते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं। बट पोल्यूशन इज ए रिस्क फैक्टर, इट कैन नॉट कॉज हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज। PM2.5, PM1 क्योंकि ब्लड में रिजॉल्व हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक्यूट इफेक्ट्स में क्रॉनिक एक्सपोजर यस। और आज के डेट में जैसे स्मोकिंग है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, डाइट है, वैसे ही पोल्यूशन भी एक रिस्क फैक्टर है ब्लॉकेजेस के लिए। विंटर में खासकर सुबह के समय में अस्थमा ज्यादा होता है, तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि थोड़ी सी धूप निकल आए उसी टाइम पे आपको वॉक करना चाहिए। समर के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग में क्योंकि सूर्य जल्दी उदय होता है तो आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, आप अपना आराम से वॉक करिए। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर वॉक कर रहे हो और टॉक कर रहे हो, वॉक करते करते अगर आपको सांस खुल रहा है तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएंगे। आइए अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर आर एन टंडन से उनके विचार जानते हैं। आमतौर पर अगर हम देखें रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रदूषण हमारा बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है जो हमारी गाड़ियां यानी कि बसेस हैं, चाहे वो मोटर कार्स हैं, चाहे वो स्कूटर हैं, चाहे वो टू व्हीलर हैं, चाहे वो तो इन सब में जहाँ पर डीजल के ऊपर सबसे पहला सवाल होता है कि क्या डीजल का इतना सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, शायद बसें हो तभी दिल्ली में CNG buses TTC में शुरू। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आज से 7-8 साल पहले जब CNG का इंट्रोडक्शन आया, CNG ऑटो ड्राइवर से पूछा तो उनका CNG और डीजल में क्या फर्क है, तो उनका कहना था कि मेरा कम से कम 500 रुपये महीना बचता है CNG के आने के बाद, क्योंकि अब हमें दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती कहाँ से। तो दैट शोज कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली CNG से पोल्यूशन कम हुआ। कई बार डिबेट होती है CNG और डीजल में फर्क क्या है, CNG अच्छी है या डीजल अच्छी है, ये एक साइंटिफिक मुद्दा। पर डीजल पे शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। इंसान प्रतिदिन लगभग 550 लीटर ऑक्सीजन यूज करता है, हम एक घंटे में लगभग 900 बार सांस लेते हैं, यानी कि एक दिन में लगभग 22,000 बार सांस लेते हैं, जो कि सामान्य परिस्थितियों में है, यानी कि अगर हम खेल रहे हैं या कोई परिश्रम कर रहे हैं तो यह ज्यादा होता है। अब आप सोचिए कि हम दिन भर में कितनी प्रदूषित हवा ले रहे हैं। एक आम आदमी अपने जीवन काल में लगभग 2.5 करोड़ लीटर हवा लेता है। इतनी हवा से अगर हम कोई गुब्बारा फुलाएं तो उसकी चौड़ाई लगभग 80 मीटर होगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अपने जीवन काल में कितनी प्रदूषित हवा ले रहे हैं। आइए अब हम एक मशहूर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश चावला से ये जानते हैं कि प्रदूषण का लगभग क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और क्या छोटे छोटे उपाय हम कर सकते हैं। पोल्यूशन का असर 4 ग्रुप हैं जिनमें सबसे ज्यादा होता है, बच्चों में जो बहुत छोटे हैं, या बूढ़े जो एल्डरली हैं, तीसरे जो पहले से मरीज हैं खास करके सांस की बीमारियों से या दिल की बीमारियों से पीड़ित है। बच्चे बिकॉज उनका जो फेफड़ा है उसका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो डेवलपमेंट स्टेज में है, एक तो उसको ग्रोथ पे असर होता है, दूसरा बच्चों में सांस की बीमारियां जैसे कि बार बार नाक का बहना, साइनोसाइटिस होना, एक इरिटेटिव कफ होना जो दवाइयों से जिस पे असर नहीं होता है, और इन बच्चों में वायरल इन्फेक्शन, इनकी होने की
जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा जो बीमारी इसके साथ पॉल्यूशन के साथ जुड़ी गई है या जिसके लिए वो रिस्क फैक्टर है वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है, जिसको हम पहले क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिजीमा कहते थे। अभी कुछ सालों में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। इन लोगों को दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आम दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, एफिशिएंसी कम हो जाती है, व्यक्ति अपनी तौर पे काफ़ी सावधानियाँ बरत सकता है। एक तो अच्छी डाइट लेना, डाइट अच्छी का मतलब यह है कि बैलेंस डाइट लेना जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये भी हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। कई प्लांट्स हैं जो अपने घरों में उगा सकते हैं, बिकॉज आउटडोर पॉल्यूशन के अलावा इनडोर पॉल्यूशन का भी काफ़ी रोल रहता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्प्रेज और बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स ये घर में नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे बच्चा है उसका अगर स्कूल है तो वो जहाँ तक हो सके वो घर के पास होना चाहिए, हालांकि गवर्नमेंट ने इशू भी किया है कि 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। अगर आप नया घर लेने वाले हैं तो मेन रोड पर घर नहीं लीजिए, आप घर जो है थोड़ा दूर लीजिए, एक सिंपल 0 नंबर का स्पेक्स डाल सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन का आंखों पे भी असर होता है। अगर आप बाहर पोल्यूशन में जा रहे हैं और आपके पास कुछ नहीं है ना और आपको लग रहा है कि काफ़ी है, तो आप एक गीला रुमाल इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं बट मास्क बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। मास्क सिर्फ पार्टिकल्स को ही रोक सकता है, गैसेस को नहीं रोकता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोक्स डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस हैं बहुत इरिटेंट होती हैं, सो वो नहीं रोकता है। बट मास्क का इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं है, मगर अगर आप इस्तेमाल करें तो प्रॉपर स्टैंडर्ड वाला करें और वो बहुत महंगे आते हैं। फिर इसके अलावा जब आप घर आते हैं तो आपके कपड़ों के ऊपर बहुत सारी डस्ट है, तो छोटे बच्चे को मत उठाइए, उसको आप या तो कपड़े चेंज करिए, जूते भी, ये कहा जाता है कि जूते भी आप उतारिए जब घर के अंदर एंटर करते हैं। अगर हम उन कारणों के बारे में सोचें जिनके कारण कैंसर होता है तो हमारे जहन में आते हैं अगर परिवार में किसी को कैंसर रहा हो, अगर हम किसी खास केमिकल या इन्फेक्शन से एक्सपोज्ड हो, स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल पीते हो। खुशकिस्मती से अगर इनमें से कोई फैक्टर नहीं है तो हम ये सोचते हैं कि हमें तो कैंसर नहीं हो सकता, लेकिन एक ऐसा फैक्टर है जिसको जानने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हमें कैंसर नहीं हो सकता, और वो है प्रदूषण। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने आउटडोर एयर पोल्यूशन को कैंसर करने वाला तत्व यानी कि कार्सिनोजन माना है। आइए हम एक मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनू वालिया से ये समझते हैं कि कौन कौन से कैंसर एयर पोल्यूशन से होते हैं। हाल फिलहाल में इतना कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, पोल्यूशन आल्सो मतलब उसका एक बहुत ज्यादा मेजर रोल है। अगर आप कुछ रीसेंट डेटा देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट 33.3% इंक्रीज हुआ है, दिल्ली में ही, सिर्फ दिल्ली की बात करें लंग कैंसर में, तो ये काफी इम्पोर्टेंट कैंसर माना जाता है जो स्मोकिंग के अलावा और एयर पोल्यूशन से भी लिंक किया जाता है। इसके अलावा जैसे यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर्स और स्किन कैंसर्स, काफी सारे कैंसर्स हैं जो पोल्यूशन से लिंक करे जाते हैं। सिंपल सिंपल छोटे छोटे एफर्ट्स टू अवॉइड, ना खुद स्मोक करें ना दूसरों को स्मोक करने दें, एंड एफर्ट्स लाइक कि कार पूलिंग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूसेज करें, और जितना हो सके अब नेचुरल चीजों का प्रयोग करें, कोल वगैरह चीजों को ओपन में ना जलाएं, इवन क्रैकर्स वगैरह को, जो हमारे फेस्टिवल्स वगैरह उसमें क्रैकर्स वगैरह को जलाएं ना, बच्चों को भी ये संदेश दें। और जरूरी बात, आप सबसे आग्रह है कि अपने घर पर लाइट्स और बिजली के उपकरण उतने ही जलाएं जितने की आवश्यकता है, बाकी को बंद करने की अच्छी आदत डालें और बच्चों को भी सिखाएं। पानी भी आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाना चाहिए, इनसे भी हम प्रदूषण को कम करते हैं। ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति साल भर में लगभग 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करता है और एक पेड़ मात्र 20 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को साल भर में एब्जॉर्ब करता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 18 लोगों के लिए हमें लगभग 1 एकड़ जमीन पर पेड़ चाहिए। तब आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए पेड़ पौधे लगाना कितना जरूरी है। जैसा कि हमने अभी देखा और सुना,
प्रदूषण हमारे जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है और इससे मुक्ति के लिए हमें सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। इसके दुष्प्रभाव हमारे लिए चेतावनी भी है कि अगर हम अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे। अब मैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।